संपन्न बन करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भोर। नया दौर के नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति नेगी। इस कार्यक्रम में हम आपको देश के अलग अलग सूबों में कामयाबी के शिखर को छूने वाली ग्रामीण अंचलों की कहानी से रूबरू कराते हैं। असली भारत गांव में बसता है और इन्हीं गांव की कामयाबी की दास्ता बयां करता है हमारा एक खास कार्यक्रम नया दौर। तो आज नया दौर में हम आपको ले चलेंगे किसानों की मेहनत से लहलहाते खेतों वाले, उन्नति की ओर बढ़ रहे पंजाब के संगरूर जिले के भदलवड़ गांव, और दिखाएंगे आखिर कैसे आज ग्राम पंचायत भदलवड़ छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पंजाब के संगरूर जिले का भदलवड़ गांव, बेहतरीन सोच, अनुभवी नेतृत्व और दूरगामी सोच के साथ आज ये गांव गांव नहीं शहर को चुनौती देता दिखाई देता है। साफ सुथरी सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा की समुचित व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की बात हो, आज इस गांव में वो सब कुछ है जो एक आदर्श गांव में होना चाहिए, और इसका श्रेय जाता है इस गांव के लोगों को जो बेहद सजग हैं और जागरूक हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कामयाबी की ओर बढ़ चले इस भदलवड़ गांव में कुछ समय पहले का नजारा बिल्कुल अलग था। यहां के ग्रामीणों की जिंदगी से जुड़ी रोजमर्रा की बात करें तो हालात चुनौतियों से भरे थे। यहां तक कि कुछ साल पहले तक यहां रहने वाले लोग जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थे। भदलवड़ पंजाब राज्य के संगरूर जिले में आबाद 1300 की जनसंख्या वाला एक गांव है, जहां 205 घर बसे हुए हैं, जो उप जिला मुख्यालय धुरी से 7 किलोमीटर और जिला मुख्यालय संगरूर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भदलवड़ गांव 2009 के बाद ग्राम पंचायत के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसका क्षेत्रफल 362.4 हेक्टेयर है और यहाँ की स्थानीय बोली पंजाबी है। देश में इस प्रदेश के लोगों की छवि आमतौर पर सीधे साधे और तकनीक में बेहद जागरूक मानी जाती है। इस इमेज को बनाना कतई आसान नहीं था, क्योंकि ग्राम पंचायत भदलवड़ के पास अपनी आर्थिकी बढ़ाने और आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया नहीं था। फिर भी पंचायत ने अपने इलाके के लोगों को वो सारी सुविधाएं दिलाई जो किसी शहर में ही मिलती है। ग्राम पंचायत भदलवड़ ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अपने ग्राम का न केवल विकास किया बल्कि गांव को गति भी प्रदान की, जिसकी बदौलत ग्राम पंचायत भदलवड़ उन गांवों की रेस में शामिल हो गया जिनको भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2008 तो लेके लगातार पिंड दे विकास दे लई काम कर रहे हैं, इसीलिए सानू 2020 दे विच नेशनल पंचायत अवार्ड मिलिया। सानू बहुत खुशी है जी, कदे ख्याल ही नहीं सी आया कि सर अवार्ड भी मिलूगा, पर बहुत वधिया लग्या। ते उदों दे ही पिंड दे विकास नू लेके भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वधिया हो बन जे पिंड। कोई भी कच्ची सड़क नहीं हैगी पिंड दे विच, आले दुआले पिंडां दे विच जाण नू सारे रस्ते पक्के हो गए, ते सही ढंग नाल जाया जा सकता है, कोई भी लोगों नू परेशानी नहीं होंदी। पढ़ाई दा भी पूरा ध्यान रखते हैं जी, आंगनबाड़ी भी है पिंड दे विच, ते पढ़ाई स्कूल दे विच
मिड डे मील भी मिलता बच्चों नू आंगनबाड़ी वालों नू भी खाना सही टाइम ते मिलता भी पूरा किसी भी पिंड दे लई देश दे लई पढ़ाई का वधिया होना प्रबंध जरूरी है। नया दौर जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नया दौर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि महज 1300 की आबादी वाले भदलवड़ ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या सीवेज की थी। यह लंबे समय से सीवरेज प्लांट ही नहीं लगा था, जिसके कारण घरों से निकलने वाली फीकल यानी कि मल मूत्र को नालियों के जरिए गांव के पास ही 3 एकड़ एरिया में फैले एक तालाब में डाला जाता था। आलम यह था कि बेहद अफसोसनाक हालात में जीवन गुजारने वाले गांव के लोगों को इसी खुले तालाब से गुजरना पड़ता था। ऐसे में ग्राम पंचायत ने सदियों से चली आ रही इस समस्या के इलाज को खोजना शुरू किया। पंचायत ने अपनी स्वास्थ्य कमेटी के साथ मिलकर जड़ से इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रयास शुरू किया और जल्द ही उन्हें कामयाबी भी मिल गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। भदलवड़ ग्राम पंचायत की सार्थक कोशिशों का ही नतीजा है कि मनरेगा और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए गांव वालों को एक बेहद जरूरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिल सका, जिसमें हर घर को पाइपलाइनों के माध्यम से जोड़ा गया। योजनाबद्ध तरीके से हर घर से निकलने वाले फीकल को खुले में छोड़ने की बजाय सीवरेज प्लांट में छोड़ा जाना शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ ग्रामीणों को बदबूदार माहौल से निजात दिलाई बल्कि इस प्लांट के लगने से गांव की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई है। हाँ, नेड़े कच्चा सीगा, एक एकड़ च सरपंच साहब ने ये टोभा पक्का किया, जदों बरसात का पानी आया तो सारा ये चाहता, बाकी बूटे लगवाए तो बाकी इधर पार्क बनया गा, बहुत वधिया पिंड का काम विकास हो रहा जी। पंजाब के खेत ही उसकी पहचान है, ऐसे में इन खेतों में रात दिन अपना एक कर देने वाले किसान ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं में से एक थे, क्योंकि खेती की पैदावार की बात करें तो ग्राम पंचायत भदलवड़ में गेहूं धान की खेती सबसे खास है। यहाँ के अधिकतर किसान कृषि पर ही आधारित हैं और यही उनके परिवार की जीविका का आधार है। ऐसे में देश भर के किसानों की ही तरह भदलवड़ गांव के किसान भी गेहूं व धान की पिराली की फसल को काटने के बाद जला दिया करते थे, जिससे गांव के साथ ही आसपास के गांव में धुआं फैलना और उससे निकलने वाली गैसों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम गंधक और जैविक कार्बन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना लाजमी था। ऐसे में ग्राम पंचायत ने अपने स्तर से किसानों के हितों के लिए भी नए कदम उठाए। पंचायत को भी पता था कि किसानों के पास कई हेक्टेयर में फैले पराली को जलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन पंचायत को ये भी पता था कि ये रास्ता अन्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ था, जिसको जानते हुए पंचायत ने पराली को बिना जलाए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जिससे किसान अब पराली को मशीनों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और खेत की मिट्टी में ही पराली को दबाया जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर किसानों को खेती के लिए जैविक खाद भी मिलने लगी है। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए दिख गया तो उसको दंड दिलाने का जिम्मा भी पंचायत ने लिया, जिसका असर पहले ज्यादा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे किसानों में जागरूकता आई और पराली को जलाने पर आर्थिक दंड मिलने लगा, वैसे वैसे ग्रामीणों ने पंचायत अभियान में साथ देना शुरू किया और पंचायत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, जिसका परिणाम है कि आज इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। इंसान को जीने के लिए आखिर क्या चाहिए? जवाब होगा बेहतर माहौल, साफ सुथरा शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान, जिसकी जरूरत आज हर आमो खास को होती है। इसी मकसद के साथ ग्राम पंचायत भदलवड़ ने ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया और फिर शुरू हुआ योजनाओं की एक एक ईंट जोड़कर तरक्की के नए शिखर को तराशने का सफर। संगरूर के ग्राम पंचायत भदलवड़ ने गांव में सबसे बड़ी पहल करते हुए मनरेगा भवन बनाया। ग्रामीणों को सुविधा मिल सके इसके लिए यहां एक हॉल और 2 कमरे भी बनाए गए, जिसको सामाजिक समारोह के लिए निःशुल्क इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है।
आज गांव में ही पंचायत निधि से 2 एकड़ की भूमि में पार्क बनाया गया है और साथ ही पंचायत ने इस पार्क में 750 मीटर लंबाई के फुटपाथ का भी निर्माण किया है ताकि पार्क में घूमने के लिए भी लोगों को सुविधा मिल सके। जिस एरिया में हम खड़े हैं, इस एरिया में इतना गंदगी था कि इस रास्ते भी निकला नहीं जा रहा था। हमने जब सरपंच बने उसके पहले भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया ये 2014 में हमने काम जो शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करते करते जैसे जो आपके पीछे पेड़ हैं, ये हमारे हाथ के लगाए हुए पेड़ हैं, जो बोहड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जितने पेड़ हैं बड़े हो गए अभी तो, ये उसी टाइम के पेड़ हैं जिसके नीचे भी खड़े हैं, ये भी पीपल का पेड़ है, ये भी 2010 में लगा हुआ है। अभी मेरे गाँव में कम से कम 10,000 बूटा हमने लगाया है, चलता रहता है। हम एक बार ही बूटा नहीं लगाते कि एक बार 2,000 बूटा लगवा दिया जाए और उसकी केयर नहीं करते। हम एक बार में 500 बूटा लगा देंगे, उसमें जितना बूटा मर जाता है उसको फिर भर दिया जाता है। साल में हम कम से कम 2 बार तो कम से लगाते ही लगाते हैं बूटा, एक तो लगाते हैं फरवरी में, एक जब सावन का बरसात का मौसम होता है तब लगाते हैं। कुछ सरकार की तरफ से लगाते हैं, कुछ अपनी जेब से या डोनेशन लेके लोगों से ये हम लगाते हैं। साथ ही साथ पंचायत ने महिलाओं की सुरक्षा के नजरिए से पार्क में 50 फुट की ऊंचाई का एक टावर लगाया जिसमें फ्लड लाइट भी लगवाई गई है और 2 CCTV कैमरे भी पार्क में लगाए गए हैं ताकि ऊंचाई से पार्क में रोशनी बनी रहे और रात को पार्क में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर बनाई जा सके। पंचायत ने गांव वालों को और खासकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरे गांव में 20 CCTV कैमरे लगवाए और सभी प्रमुख सड़कों के किनारे मौजूद भवन मालिकों से भी CCTV कैमरे लगवाने का आग्रह किया जिससे किसी भी तरह की घटना दुर्घटना होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। इन CCTV कैमरों को संचालित करने और रिकॉर्ड रखने के लिए एक कंट्रोल रूम मनरेगा भवन में बनाया गया ताकि समय पड़ने पर रिकॉर्ड खंगाला जा सके। CCTV कैमरे लगने के बाद एक तरफ जहां अब महिलाएं बेखौफ घूम सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में यदि किसी गांव के घर में चोरी की घटना होती है तो चोर को पकड़ने में भी गांव में लगे CCTV कैमरों से सहायता ली जाती है। क्या है कि रोड पे जब हम ज्यादातर रेगुलरली पहले सैर करते थे तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक का हो जाता था शाम को, और बुजुर्गों को भी काफ़ी दिक्कत आती थी। बट अभी बहुत बढ़िया बन गया है, ग्रास वगैरह लगा हुआ है पार्क में, लाइट्स हैं और कैमरा वगैरह है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। और पहले काफ़ी मुश्किलें आती थी और जो मेन जो औरतें थी तो वो बाहर ही निकलती थी टहलने के लिए, तो अब हम कंफर्टेबल फील करते हैं पार्क में। अगला कदम जो ग्राम पंचायत भदलवड़ की तरफ से उठाया गया वो था सड़कों को रोशन करने का। गांव में कुछ समय पहले तक लोग रात में आवाजाही के दौरान खासी दिक्कतें उठाते थे। ग्राम पंचायत ने गांव वालों को रात के समय में भी सुरक्षित आवाजाही के लिए 260 स्ट्रीट लाइटें और 30 सोलर लाइटें लगवाई जिससे आज ये गांव दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है। साडे पिंड दा विकास इन्ना होया जी, सड़क दे किनारे किनारे चार छपेरे जी, दरख्त लगे हुए हैं, लाइटां लगियां हुई हैं जी, ते साडे पिंड दी पार्क आ, सब कुछ आ, शहरां वाला नालों ज्यादे साडे पिंड दे विच खूबसूरती आ जी, बहुत वधिया काम होया होया पंचायत ने करिया जी, साडे पिंड किनारे किनारे दरख्त ते लाइटां जी, बहुत सारा विकास होया होया जी। कामयाब गाँव के सफरनामे में कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिस पर गौर करें तो पता चलता है कि स्वास्थ्य किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा आधार होता है। ऐसे में ग्राम पंचायत भदलवड़ ने इस दिशा में भी कई बड़े परिवर्तन कर गांव की सूरत ही बदल दी। ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित किया और महिलाओं व युवाओं के लिए जिम बनवाए गए जिससे ग्रामीण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके और स्वस्थ जीवन गुजार सके। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। दोस्तों ये एक गलत फहमी है कि महिलाएं केवल घर के कामकाज को ही बेहतर ढंग से कर सकती हैं और गांव के सरपंच के रूप में वे बेहतर परिणाम नहीं दे सकती।
भदलवड़ गांव में जब एक महिला सरपंच ने जिम्मेदारी संभाली तो उनके सामने ढेरों चुनौतियां थी जिन्हें उन्होंने बड़ी समझदारी और कुशलता से एक एक कर पार कर लिया और ये साबित कर दिया कि आज महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कमतर नहीं है। यहाँ की योग्य सरपंच ने ये भी दिखा दिया कि महिला सरपंच कैसे घर परिवार के साथ साथ गांव को भी संभाल सकती है। भदलवड़ ग्राम सरपंच ने गांव के लोगों और पूर्व प्रधान के साथ मिलकर भदलवड़ पंचायत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। सरपंच ने गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाया बल्कि दिन रात गांव के विकास और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की योजनाएं तैयार करती रही जिसका नतीजा रहा कि उन्होंने गांव की महिलाओं के 8 स्वयं सहायता समूह बनाए। प्रत्येक समूह में 10 से 12 महिलाएं शामिल हैं जिनको जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अधिकारी द्वारा 15-15 हजार का लोन दिलवाया गया ताकि महिलाएं इस लोन से अपनी आय का जरिया ढूंढ सकें और अपने पैरों में खड़ी हो सकें। इस लोन से आज गांव की कई महिलाएं अपना बुटीक खोलकर आर्थिक रूप से सक्षम हो पाई हैं। साडे सरकार ने साडे लई एक नवी योजना शुरू कीती है जिदे विच असी इस टाइम 90 औरतां जोड़ चुके हैं पिंड दे विचों ते इहदे विच सानू 100 रुपया असी अपने वल्लों जमा करदे हां जो साडे इकट्ठे होके काम आउंदे आ ते सानू सरकार वल्लों भी सहूलतां मिलदियां जिवें कि साडे ग्रुपां नू 15-15 हजार रुपया सरकार वल्लों पहला मिलिया सी पहली वार ते हुण दूसरी वार एक ग्रुप नू 40 हजार रुपया सरकार ने अपने वल्लों सानू दित्ते ने जिहदे नाल असीं भैणां रल के अपनी कोई भी वड्डी समस्या दा हल कर लैंदे आ। वहीं पंचायत ने गांव के डेयरी उद्योग चलाने वाले किसानों के लिए जिला संगरूर में डेयरी प्लांट लगाया ताकि किसान अपना डेयरी प्रोडक्ट इस प्लांट में बेच सके और लोगों को शुद्ध दूध दही व डेयरी उत्पाद मिल सके। गांव में एक और जहां महिलाएं स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुई और डेयरी प्लांट के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बाजार मिला तो वहीं दूसरी ओर पंचायत ने घटते लिंगानुपात पर भी ध्यान दिया। आज देश के अधिकतर राज्यों में बेटों की तुलना में बेटियों का लिंगानुपात कम है ऐसे ही भदलवड़ ग्राम पंचायत ने इस बात पर भी ध्यान दिया। इसके लिए कई जन जागरूकता अभियान शुरू किए गए। गांव में ही गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से जागरूक किया गया टीकाकरण की सुविधा भी दिलाई गई और पंचायत द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोई भी महिला लिंग परीक्षण ना करवाए जिससे आज भदलवड़ ग्राम पंचायत में लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। कहते हैं ना कि जब कमान योग्य और कुशल हाथों में आ जाए तो मंजिल का सफर आसान हो जाता है। ऐसा ही हुआ भदलवड़ गांव में जहां ग्राम पंचायत ने बड़ी सूझबूझ से सालों से कब्जाई गई जमीनों को दबंगों से आजाद कराया और उस पर विकास कार्य कराए। इसके साथ ही पानी की समस्या खत्म करने के लिए भी कारगर कदम उठाकर लोगों को साफ पीने का पानी भी मुहैया कराया। ये भदलवड़ ग्राम पंचायत के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे दबंगों से अपनी कीमती जमीनों का कब्जा वापस लें क्योंकि उन दिनों तक पंचायत की अपनी कोई जमीन नहीं थी लेकिन जो व्यवसायिक भूमि थी उन पर अधिकतर अवैध कब्जा हो चुका था। ऐसे में पंचायत ने अपनी व्यवसायिक जमीनों को वापस लेने के लिए समिति के सदस्यों के साथ मिलकर उन जमीनों से कब्जा छुड़वाना शुरू किया जिन जमीनों पर अवैध कब्जा हो गया था। पंचायत ने ऐसी 2 जगहों को चिन्हित किया जो अवैध कब्जे में थी। पंचायत ने अपनी एक व्यवसायिक जमीन को वापस पाकर उसमें पानी की टंकी का निर्माण करवाया और उसी के माध्यम से आज गांव की जनता को पानी दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जमीन के लिए पंचायत को कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। 10 माह की कड़ी मेहनत और कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत को आखिरकार अपनी 10 बिस्वा की व्यवसायिक जमीन भी मिल गई जिस पर अब पंचायत द्वारा चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। उपलब्धियों की लिस्ट में अगला नंबर था बरसात के पानी से ग्रामीणों को निजात दिलाना। गांव की गलियां अक्सर बारिश होते ही कीचड़ से भर जाया करती थीं, जिसमें चलना दुभर हो जाता था। ऐसे में पंचायत निधि से गांव की गलियों की सड़कों में ब्लॉकेज टाइल्स लगवाई गई और घरों से निकलने वाले पानी के लिए अलग से गलियों के किनारे नालियों का निर्माण करवाया गया। साथ ही बरसात के पानी की बर्बादी रोकने के साथ ही उसको सही इस्तेमाल में लाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका अपनाया जिसके लिए प्रत्येक घरों की छतों से बारिश के पानी को अंडरग्राउंड पाइपों के माध्यम से एक तालाब में डाला जाता है जिस तालाब के पानी को ग्रामीण अपने जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर कभी तालाब ओवरफ्लो हो जाए तो जनरेटर के माध्यम से पानी को पार्क में लगाए गए पौधों में सिंचाई हेतु इस्तेमाल भी किया जाता है।
इसके दो फायदे गांव वालों को हुए। पहला, बारिश का पानी अब व्यर्थ नहीं जाता, और दूसरा, सड़कों पर कीचड़ जमा होने की स्थिति अब पैदा नहीं होती। यानी समस्या को ही ग्रामीणों ने समाधान बना दिया। ग्राम पंचायत का सौभाग्य रहा है कि गांव में हरविंदर सिंह जैसे किसान भी हैं, जो ग्राम पंचायत के किसी चमकते हुए सितारे से कम नहीं है। हरविंदर सिंह ने गांव को सीड प्रोडक्शन में पहचान दिलाई है और पंचायत किसानों को प्रेरित करने के लिए एग्रीकल्चर ऑफ लुधियाना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किसान मेले का आयोजन भी किया, और आज किसानों को सीड प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी जा रही है और शुद्ध और हाई क्वालिटी का बीज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत में ही यहां के किसानों के साथ ही आसपास के किसानों को भी फसल के लिए बेहतरीन क्वालिटी के बीज अब आसानी से मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत गांव के किसानों को किचन गार्डन यानी कि जैविक तरीके से सब्जी उगाने के लिए भी प्रेरित करती है, ताकि बिना केमिकल की सब्जी ज्यादा से ज्यादा किसान उगा सके। किसानों के द्वारा उगाई गई जैविक फसल को निजी बाजारों में बेचा जाता है, जिससे आज किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। घर की जो लोड है सब्जी की, हर तरह की सब्जी हम बगीची में लगा के खुद का तैयार करके ऑर्गेनिक, वो अब घर में बरतते हैं, खा रहे हैं। और दूसरा है, हमारा सीड प्रोडक्शन का काम भी है। समय समय पर जहाँ पर हमारे यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और खेतीबाड़ी विभाग पंजाब मेले लगा रहा है, और समय समय पर जैसे कोई हाड़ी की फसल हो या सोनी की फसल हो, जैसे धान की फसल हो या बीट की फसल हो, उसके बारे में समय समय पर विज्ञानी आते हैं हमारे फार्म पर और किसानों को समय समय पर बताते हैं कैसे उसको बोना है, कैसे उसको खुराक देना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसको पानी देना है, पानी की संभाल कैसे करना है, सोयल की संभाल है जो कैसे करना है। वो भी मौके मौके पर हमारे खेत में मेले लगते हैं। हम भी किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, जैसे हमारा सीड का काम है, कौन सा सीड कौन से समय पर बोना है, कौन सी वैरायटी कितने टाइम में चलेगी। इसके बाद जैसे बीट की अब सोइंग हुई है, बीट की जो है 25 अक्टूबर से लेके जो अर्ली वैरायटी है 15 नवंबर तक उसकी सोइंग की जाती है, उसके बाद 15 नवंबर के बाद लेट वैरायटी सोइंग की जाती है, ताकि जो फार्मर हैं उसका जो यील्ड है वो अच्छी निकले और अच्छी प्रोडक्शन आने के बाद मन को उनका जो है इनकम में कोई कमी ना हो। विकास के पथ पर आज भदलवड़ क्षेत्र दौड़ रहा है। और ये बता रहा है कि आखिरकार कैसे कुछ ही वक्त में पूरे क्षेत्र की सूरत बदली जा सकती है। बस जरूरत है तो योजनाओं को धरातल पर उतारने की और सुनियोजित तरीके से अपने कार्य करने की। आज ग्रामीणों के ये खिले चेहरे ये बताते हैं कि आखिरकार भदलवड़ ग्राम पंचायत के समर्पण ने इनके जीवन में कितना बदलाव ला दिया है। और यही वजह है कि आज भदलवड़ ग्राम पंचायत की तरफ हर कोई देख रहा है और उनसे बहुत कुछ सीख रहा है कि आखिरकार कैसे ग्रामीणों के सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा पंजाब के भदलवड़ गांव की कामयाबी की कहानी। ये कहानी दूसरे अनगिनत गांवों के लिए एक आईना है। यही वजह है जिसके आधार पर इस गांव को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि इस गांव के लोगों ने अपने सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह गांव को विकास से जोड़ा। आशा है कि आपको भदलवड़ ग्राम पंचायत पर आधारित नया दौर का यह एपिसोड पसंद आया होगा। जल्द एक नई कामयाबी की कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, सात फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता, जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, लॉन्जिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। चार प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा, और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर, हर रविवार रात 8 बजे।